के कांग्रेस की रंजीत रंजन और राजीव शुक्ल को राज्यसभा सांसद के तौर पर चुन लिया गया है। निर्विरोध चुने गए हैं दोनों। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने दोनों के सर्टिफिकेट उन्हें प्रदान किए। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए रंजीत रंजन निर्विरोध निर्वाचित हो गई। मैडम, आईएनएच न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच भाई साहब। निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं, अब सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी छत्तीसगढ़ को लेकर खास तौर पर? देखिए, मेरी प्राथमिकता पहले यहाँ के लोगों का विश्वास जीतना है। उन्हें यह ना लगे कि लोग आए और उड़ के चले गए। हम लोग लोकसभा से जीत कर आते रहे हैं, पड़ोस में बिहार में है और मेरा बर्थ प्लेस रीवा है, मध्य प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो मैं घर की हूँ और मुझे लगता है बहुत सालों के बाद मैडम हमारी सोनिया गांधी जी ने, उनका मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ पार्टी का, फिर मुख्यमंत्री साहब छत्तीसगढ़ का, कि उन्होंने विश्वास किया। और ये सिर्फ एक राज्यसभा की सीट देने का विश्वास नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब मेरे ऊपर बिहार की भी जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ की भी है और सदन जो सबसे बड़ी पंचायत होती है उसमें हम पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से बोलूंगी कि बिहार वालों को भी जो सम्मान आज कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है, जो छत्तीसगढ़ ने दूसरी बार हुआ है जब से आजाद हुआ है देश की, बिहार के किसी व्यक्ति को किसी अदर स्टेट से आपने नॉमिनेट करके भेजा है, ये पूरे बिहार वासियों की तरफ से भी मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और पार्टी को धन्यवाद करती हूँ। छत्तीसगढ़ के मुद्दों की बात की जाए तो कोई ऐसा मुद्दा आपको अभी मिला है क्या जो उठाएंगे अब आने वाले सेशन में? देखिए, अभी हम लोग फिर आएंगे और मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे, सारे लीडरान के साथ बैठेंगे और जो भी सेंट्रल से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको हम लोग अब जुलाई में सेशन शुरू है उठाएंगे। अभी मैं पढ़ती आ रही थी, मुख्यमंत्री साहब ने आज ही जो आंशिक पेंशन वाली बात के लिए 17,500 करोड़ रुपए की जो मांग की है उसको मैं पूरा डिटेल पढ़ रही थी। पहला मुद्दा तो अगर मुख्यमंत्री साहब कहेंगे तो यही उठ जाएगा। अब आना जाना लगातार छत्तीसगढ़ में रहेगा, रायपुर में रहेगा, कार्यालय खोलने के बारे में कोई सोचा है क्या आपने? आप अब निश्चित तौर से अभी मैं समझ रही हूँ, शायद छत्तीसगढ़ स्टेट में प्रोटोकॉल है, आप एक राज्यसभा सांसद को भी कार्यालय देते हैं, नहीं मिलेगा तो किसी के घर में कार्यालय बनाएंगे, लेकिन आपको हर 20-25 दिन में यहाँ पे दिखेंगे। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो भी मुद्दे हैं वो सदन में उठाएंगे, खासतौर पर अभी पेंशन की जो राशि जो केंद्र सरकार ने दे रही ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लगातार वो छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और यहाँ पर स्थानीय कार्यालय भी खोलने को लेकर विचार कर रही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आईएनएच न्यूज रायपुर।